Good morning everyone, myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on benzene and its derivatives. And in that topic, mainly today I am going to discuss and mainly focus on main two points. One is why the benzene undergo the substitution reactions rather than addition reactions. And second point, what type of the structures, what type of the orbital structure we are going to observe in case of benzene. And in university level, they are asked this question very frequently, and whenever they ask this question in university, so they are asked in that way, write down a short note on orbital structure of benzene. And second thing, they are asked in that way, if we are going to be observing benzene, why the benzene regularly observe and regularly follow the substitution reactions rather than the addition reactions. सो ये दो मेन पॉइंट जो मैंने अभी बोला, जो यूनिवर्सिटी लेवल में बहुत ज़्यादा पूछा जाते ही, यही दो पॉइंट के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेंजीन एंड इट डेरिवेटिव्स चैप्टर के अंदर. तो सबसे पहले के जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, जो व्हाट टाइप ऑफ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व इन बेंजीन, उसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम. तो इस जगह पे ये हम लोग जानते हैं और इस जगह पे केमिस्ट्री ऐसा आंसर करता है और ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू बी फॉलोड द एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन स्टडी, देन वी कैन ऑब्जर्व द बेंजीन शोज दैट इन ए फ्लैट रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. And in that hexagonal structure, we are going to observe the 6 carbon atoms which are lying in a same plane and which having the bond angle is 120 degree. Therefore, each carbon in benzene must be sp2 hybridized, and each carbon atom possesses the sp2 hybrid orbital including the 120 degree angle and 4th pz orbital which is deposited perpendicularly to the plan of sp2 orbital. तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन की, इसका मतलब ये हो रहा है, जब हम लोग कोई एक्सरे और इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन स्टडीज़ को ऑब्जर्व करते हैं फॉर बेंजीन, तो उस जगह पे हम लोग ये देख पाते हैं जो बेंजीन के अंदर जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो है हेक्सागोनल रेगुलर स्ट्रक्चर. और उस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये देख पाएंगे जो इसकी जो बॉन्ड एंगल है, उसका बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 डिग्री होंगे. एंड पर्टिकुलरली बेंजीन के अंदर हम लोग ये देख पाते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हो रहा है जिसमें हम लोग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देख पाएंगे. और जब हम लोग ये भी ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है डेफिनेटली, तो इसका मतलब इस जगह पे पाई बॉन्ड भी होंगे. सो इन दैट कंडीशन वी कैन से दैट द pz ऑर्बिटल व्हिच आर अनहाइब्रिडाइज व्हिच आर डिपोजिटेड परपेंडिकुलरली टू द प्लान ऑफ sp2 ऑर्बिटल. सो अभी इसका मतलब ये भी हो रहा है, जब हम लोग यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करें, तो आफ्टर दिस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटलिंग वी आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व हेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड व्हिच डेफिनेटली दे आर द सिंगल बॉन्ड. सो वी आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व हेयर द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड वन कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड वन अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल डिपोजिटेड एट द राइट एंगल साइड एट द प्लान ऑफ द रिंग. सो इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस फिगर के अंदर हम लोग इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो यहाँ पर एक यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कार्बन कार्बन, जो यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन कार्बन, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है और कार्बन हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है. और इस जगह पे पी ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल भी हम लोग देख पा रहे हैं जो प्लान ऑफ रिंग के अंदर है. अभी इसे हम लोग ऐसा भी एक्सप्लेनेशन करें और इसे हम लोग ऐसा भी बोलना चाहिए, जो pz ऑर्बिटल बेंजीन के अंदर है, ये pz ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं तो उस जगह पे ओवरलैपिंग कौन से कार्बन के अंदर होते हैं. तो इस डायग्राम के अंदर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6 के अंदर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जो pz ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग कर रहे हैं. एंड आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ द pz ऑर्बिटल इन दैट कार्बन, दे आर गोइंग टू बी जेनरेट एज एन डबल बॉन्ड. और जो डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के अंदर, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 के अंदर, एंड कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6 के अंदर. सो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, क्या हम लोग यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो रहा है 1 एंड 2 के अंदर, तो ये डबल बॉन्ड क्या सिर्फ कार्बन नंबर 1 एंड 2 के अंदर, कार्बन नंबर 3 एंड 4 के अंदर और कार्बन नंबर 4, 5 एंड 6 के अंदर ही होंगे? तो हम लोगों ने पहले ऑब्जर्व किए थे कैकुल ने,
साइंटिस्ट कैपुल ने अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्सप्लेनेशन किए थे उस जगह पे उसने ऐसे एक्सप्लेनेशन किए थे जो बेंजीन का दो स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल है। इसका मतलब ये हो रहा है जो कार्बन नंबर 1 और 2 के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 3 और 4 के अंदर डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 5 और 6 के अंदर डबल बॉन्ड है तो ये एक स्ट्रक्चर हुए। तो उसके हिसाब से हम लोग ये भी बोल सकते जो कार्बन की हम लोग यहाँ पर दूसरी स्ट्रक्चर भी हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपुल। तो पहले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर में ये ऑब्जर्व किए थे जो ओवरलैपिंग हो रहा था पीजेड ऑर्बिटल की वो कहाँ पर हो रहा था, 1 और 2 के अंदर हो रहा था। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पर ओवरलैपिंग कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड जगह पर हम लोग देख रहे हैं कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 पे हो रहा है और यहाँ पर थर्ड में देख रहे हैं कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 पे हो रहा है। एंड वी नो दैट व्हेनेवर दैट पीजेड ऑर्बिटल आर ओवरलैपिंग, आफ्टर द ओवरलैपिंग व्हाट टाइप ऑफ द बॉन्ड दे आर गोइंग टू बी जनरेटेड, दे आर गोइंग टू बी जनरेट एज एन पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर वो पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे और इस जगह पे उसका डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 और 3 के बीच में जनरेट हो चुका है, 4 और 5 के बीच में जनरेट हो चुका है एंड यहाँ पर 6 और 1 के अंदर जनरेट हो चुका है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा ये दो स्ट्रक्चर इसीलिए बनना पॉसिबल है अभी मैंने बोला क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कैकुल एक्सप्लेनेशन और कैकुल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑब्जर्व की जो इनकी दो स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल है और दो स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल है और इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने ओवरलैपिंग पीजेड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग भी हम लोगों ने यहाँ पर जैसे 1 और 2 के अंदर देखा, जैसे 3 और 4 के अंदर देखा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 5 और 6 के अंदर देखा तो अपोजिट स्ट्रक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं वही ओवरलैपिंग यहाँ पर 2 और 3 के अंदर, ओवरलैपिंग 4 और 5 के अंदर एंड नेक्स्ट ओवरलैपिंग 6 और 1 के अंदर होके वहाँ पर पाई बॉन्ड जनरेट किया। एंड वी नो दैट व्हेनेवर द पाई बॉन्ड आर गोइंग टू बी जनरेटेड आफ्टर the generations they are going to be generated what type of the bond they are going to be generated as a double bond और इसीलिए हम लोग यहाँ पर double bond देख रहे हैं। और ये जो डायग्राम हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इस डायग्राम में हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट हो चुका है। सो वी कैन से दैट द फर्दर द सेंस द स्ट्रक्चर इज अनसाइक्लिक planar and all the 6 pz orbital overlapping equally and continuously to form 2 continuous ring like the pi electron cloud and one which is lining above jo hum log yahan par dekh rahe hain and another which is lining below jo hum log yahan par dekh rahe hain of in 6 कार्बन एटम। सो ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा ये स्ट्रक्चर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन है जहाँ पर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो सभी स्टूडेंट्स को ये याद रखना है जब ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आप किस तरीके से ऑब्जर्व करते हो जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की तो आपको एक एक्सप्लेनेशन देना होगा बेंजीन के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन किए उसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम जो डायग्राम यहाँ पर दिखाया जा रहा था। अभी जो टॉपिक एंड पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो पॉइंट ये है व्हाई बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नॉट एडिशन रिएक्शंस एंड इफ यू आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व इन ए बेंजीन स्ट्रक्चर वी नो दैट बेंजीन इज एन प्लानर मॉलिक्यूल। अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा एंड दे आर प्लानर फॉर दैट रीजन वी कैन ऑब्जर्व द डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लान ऑफ द रिंग एंड वी नो दैट द इलेक्ट्रोफाइल एंड वी नो दैट द इलेक्ट्रोफाइल दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इन नेचर एंड ड्यू टू द रीजंस ऑफ द डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग सो दे आर द इलेक्ट्रॉन इन रिच। So for that reason, electrophile they having the affinity over the benzene ring, and for that reason they can easily bind and they can easily bind with the benzene and they can follow the substitution reactions. अभी इसे बहुत ही explanations को बहुत ही simple तरीके से समझाना चाहे तो हमें इस तरीके से हम लोग इसे explanation कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा और हम लोगों ने पहले भी कैकुल स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व किए जो बेंजीन एक प्लानर मॉलिक्यूल है और बेंजीन प्लानर मॉलिक्यूल होने के लिए इसके अंदर हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे थे और ये डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे बेंजीन के स्ट्रक्चर के अबव और बिलो ऑफ द प्लान ऑफ द रिंग। सो ये रिंग के ऊपर और नीचे हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे भी देखे। सो इसका मतलब ये हो रहा है जो बेंजीन इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है एंड फॉर दैट रीजन वी कैन से दैट इट इज़ द इलेक्ट्रॉन रिच इन कंपाउंड कि लेकिन हम लोग ये जानते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं
वो इलेक्ट्रोफाइल हर टाइम पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं. सो फॉर दैट रीजन दे हैविंग एफिनिटी और दे हैविंग एफिनिटी ओवर द बेंजीन टू बाइंड एंड फॉलो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. लेकिन जब हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो उस जगह पे हम लोग ऐसा नहीं देख पाएंगे. क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर है. एंड ऑलरेडी बेंजीन के पास भी बहुत ही बोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हिसाब से, अबव द रिंग और बिलो द रिंग. और उसी जगह पे न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है. सो इफ दे आर मोर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज देयर एंड वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन दे आर गोइंग टू बी कैरीड द नेगेटिव चार्ज, फॉर दैट रीजन दे आर गोइंग टू बी क्रिएट द रिपल्शन फोर्स बिटवीन द बेंजीन एंड न्यूक्लियोफाइल. एंड फॉर दैट रीजन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल टू बाइंड विद द बेंजीन एंड फॉलो द एडिशन रिएक्शन. इसका मतलब हम लोगों ने वो बोल सकते हैं जो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. एंड हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे और डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए बेंजीन के अबव प्लान एंड बिलो प्लान में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से भरा हुआ है. और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए वो बेंजीन के साथ यहाँ पर रिपल्शन फोर्स क्रिएट करते हैं क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी डेफिनेटली माइनस चार्ज कैरी करते हैं और बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी माइनस चार्ज कैरी करते हैं बिकॉज यू नो द इलेक्ट्रॉन आर माइनस चार्ज इन नेचर. सो इसीलिए वो एक कॉलिक के अंदर रिपल्शन फोर्स क्रिएट करेंगे और इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन के अंदर जुड़ने के लिए डिफिकल्टीज जनरेट होते हैं. एंड फॉर दैट रीजन वी कैन से दैट इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर बेंजीन टू फॉलो द एडिशन रिएक्शंस. एंड इफ यू आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ द बेंजीन, सो बेंजीन कैन ऑल्सो कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने अभी बोला, एंड इट आर डिलोकलाइज एंड ड्यू टू द रीजंस ऑफ द डिलोकलाइजेशन इट कैन बी क्रिएट द स्ट्रक्चर मोर स्टेबल. एंड फॉर दैट रीजन ऑल्सो वी कैन से दैट बेंजीन नॉट गोइंग टू बी फॉलोड द एडिशन रिएक्शंस वेरी प्रोमिनेंटली एंड वेरी कंफर्टेबली कंपेयर्ड टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसका मतलब हम लोग ऐसा ऐसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है एंड पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने के लिए इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व किए जो उसके अंदर डिलोकलाइजेशन पॉसिबल हो रहा था. और डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होने के लिए इस जगह पे बेंजीन के अंदर क्या हो रहा था, मोर नंबर ऑफ स्टेबिलिटी जनरेट हो रहा था. एंड मोर नंबर ऑफ स्टेबिलिटी उसके अंदर जनरेट होने के लिए ये बेंजीन के लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं जो वो एडिशन रिएक्शन को फॉलो करे. एंड फॉर दैट रीजन वी आर सेइंग दैट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द बेंजीन एडिशन रिएक्शन. अभी ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया इसी एक्सप्लेनेशन को हम लोग अभी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो बेंजीन का रिंग है, जो बेंजीन यहाँ पर रिएक्शंस कर रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ, जब वो रिएक्शंस कर रहा है तो इस जगह पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जो यहाँ पर एक कार्बोकैटायन को जनरेट किए. अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कौन से कंडीशन में हम लोग किसी को कार्बोकैटायन बोलते हैं, बिकॉज वी नो दैट व्हेनेवर द कार्बन दे आर गोइंग टू बी कैरीड द प्लस चार्ज इन दैट कंडीशन वी कैन से दे आर कॉल्ड एज एन कार्बोकैटायन. तो यहाँ पर हम लोग इस बेंजीन की यहाँ पर वन नंबर और इसे टू नंबर पोजिशन कंसिडर करते हैं और हम लोग ऐसा बोले कार्बन नंबर वन एंड कार्बन नंबर टू के अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो यहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज कैरी हुआ और यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो H प्लस में आ चुका है और हाइड्रोजन में आ चुका है और यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल देख रहे थे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ चुका है. और जब हम लोग यहाँ पर बोलते हैं और हम लोग ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हैं व्हेनेवर द कार्बन दे आर गोइंग टू बी कैरीड द प्लस चार्ज देन दे आर कॉल्ड एज एन कार्बोकैटायन, सो हियर द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आर गोइंग टू बी फॉलोड. अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो ये एडिशन रिएक्शंस को क्या फॉलो कर पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं जो यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस हम लोगों ने पहले भी देखा जो यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस फॉलोबल फॉलो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस इसीलिए फॉलो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा और उस एक्सप्लेनेशन में मैंने एक्सप्लेन की जो बिकॉज वी नो दैट द बेंजीन आर
delocalized in nature, because we are going to be observe the number of delocalized electron in benzene. Due to that reasons, the benzene can create the more stability, and due to the reasons of the more stability, then it is not be possible for benzene to follow the addition reactions. और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो ए यहाँ पर ये देख पा रहे हैं जो यहाँ पर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को वो जनरेट कर रहा है. और इसी जगह पे जब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे तो उस जगह पे हम लोगों ने क्या देख पाए, जो इस जगह पे हम लोगों ने यहाँ पर ये देख पाए जो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड वो जनरेट कर चुका है. अभी क्यों जनरेट कर चुका है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहा है. अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहा है मतलब यहाँ पर जो जेड है वो डेफिनेटली किसके साथ जुड़ने वाला है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे. बिकॉज एंड जुड़ने के बाद वो क्या सब्स्टिट्यूटेड क्या कर जनरेट कर देंगे, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने के बाद यहाँ पर एक जेड जनरेट करेंगे और यहाँ पर ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड जनरेट हो जाएंगे. लेकिन जब हम लोग यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस को देख रहे हैं तो उस जगह पर क्या होगा, इस जगह पे जेड यहाँ पर कहाँ पर अटैक करेंगे, जेड यहाँ पर कार्बन का जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वहाँ पर अटैक करेंगे और अटैक करने के बाद इस कॉम्प्लेक्स को जनरेट करेंगे जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है. और इससे ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं बेंजीन के लिए, बिकॉज अभी मैंने बोला क्योंकि बेंजीन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होते हैं ड्यू टू द रीजंस ऑफ द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ऐसे कंपाउंड बन भी गया तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, वो बहुत ही जल्दी डिग्रेड कर जाते हैं. और इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं जो बेंजीन ईच एंड एवरी टाइम दे आर गोइंग टू बी फॉलोड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रदर देन द एडिशन रिएक्शन. सो आज की वीडियो में मैंने यही तक मुझे बोलना था. एक मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जो क्यों बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फॉलो करते हैं कंपेयर टू द एडिशन रिएक्शंस में. और दूसरा मैंने हम लोगों ने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किए जो व्हाट टाइप ऑफ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व इन बेंजीन. सो अगेन थैंक यू टू ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एंड ईच एंड एवरी व्यूअर्स टू वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. And thank you again, and in the next video I am going to be discuss about the another topic about the Hockel's rule, aromaticity and resonance characteristics of benzene. Thank you.